हम बनाएंगे सबका फेवरेट पिज्ज़ा। और आज के इस पिज्ज़ा को हम गेहूं के आटे यानी कि होल व्हीट फ्लावर के साथ बनाएंगे। इसमें हम कोई भी तरह का मैदा यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसे हम नॉर्मल कढ़ाही में बनाएंगे बिना किसी ओवन के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान रेसिपी है, तो चलिए फटाफट से शुरू करेंगे इसे बनाना। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो बनाएंगे। तो उसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर, जिसे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं। और अब हम अपने इस बोल के सेंटर में ना इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेंगे। और सबसे पहले इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच दही, नॉर्मल घर की ताज़ी दही यूज़ किया मैंने यहाँ। और अब हम अपनी इस दही के ऊपर सबसे पहले डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पिसी हुई चीनी यूज़ की है, आप नॉर्मल वाली चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले अपनी दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से दही में ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम अपने इस आटे को भी दही में मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसका एक नरम सा आटा गूंथ लेंगे। तो पहले दही के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक नरम डो बना लेंगे। ध्यान रखिए कि पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, क्योंकि दही यूज़ की है तो पानी आपको बहुत कम यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ 1/4 कप पानी यूज़ किया इसे गूंथने के लिए, और इतने में ये आटा लग गया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और आप देख रहे हैं कि कितना नरम डो बनाया मैंने यहाँ, तो बिल्कुल ऐसा बनाना है हमें अपने इस आटे को। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और इसे कुछ देर के लिए मत लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से गूंथ करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो कोई फ्लैट सर्फेस पर भी इसे नीड कर सकते हैं। तो 3-4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है और अब हमारा ये आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसकी एक बॉल बना लेंगे। और फिर हम अपने इस आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे ढक कर रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे 1/2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो इस आटे को रखे हुए अभी 1 घंटा हो गया है, अब हम इसे पिज़्ज़ा बनाएंगे। बट उससे पहले हम अपनी कढ़ाई को तैयार कर लेंगे जिसमें हम अपने पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। तो उसके लिए कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले लीजिए आप, और उसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक। नॉर्मल खाने वाला नमक है ये, बार बार मैं बेकिंग में यूज़ करती हूँ तो इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। और इसके ऊपर अब हम रख देंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप किसी भी प्लेट या इस तरह की कोई कटोरी को रख सकते हैं इसके ऊपर। और अब हम इसे ऊपर से ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से गर्म होने देंगे। तो चलिए अब हम अपना पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो आटा हमने 1 घंटे से रेस्ट करने के लिए रखा था, इसे हम थोड़ा सा और नीड करेंगे तकरीबन 30-40 सेकंड तक। तो इसे कुछ सेकंड तक नीड करने के बाद अब हम अपने इस आटे को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो इतने से आटे में हम 2 पिज़्ज़ास बनाएंगे। तो अब हम इसमें से एक पोर्शन लेंगे और इसे हल्का सा राउंड करके इसकी एक लोई बना लेंगे। और अब हम एक चकला लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ मैं इसे बेलने के लिए भी। और इसके ऊपर अब हम अपनी ये लोई रखेंगे और इसे बेल लेंगे। चाहे तो हाथों से फैला सकते हैं इसे आप, या फिर नॉर्मल बेलन से भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा हाथों से फ्लैट कर लिया मैंने इसे, और अब हम इसे थोड़ा बेलन से बेल लेंगे। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे इसे हम। तो मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसी रखी है मैंने यहाँ। तो अब हम अपने इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए ट्रे को तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ ये स्टील की थाली ली है, आप चाहें तो कोई स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हैं, या कोई पिज़्ज़ा ट्रे है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे बनाने के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मेल्टेड बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लिया मैंने इस थाली को। और अब हमें ये जो पिज़्ज़ा बेल करके रखा था, आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस मैंने बिल्कुल ऐसी रखी है, इसे अब हम रखेंगे अपनी इस ग्रीस की हुई थाली में। तो इस तरह से इसे हम थाली में रख देंगे, या प्लेट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसकी साइड की 1/2 इंच की बाउंड्री को छोड़ते हुए ना इसकी साइड पे इस तरह से हाथों से ही निशान बना लेंगे, यानी कि इस तरह से हल्के से गड्ढे से बना लेंगे, ताकि जो साइड है वो इसकी 1/2 इंच की एक बाउंड्री सी बन जाए हमारे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। तो इस तरह से इसे बनाने के बाद अब हम एक फोक लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से प्रिक करेंगे। तो काफ़ी सारी जगह पर प्रिक करेंगे इसे हम, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है जब ये पकेगा कढ़ाई में तब ये फूले नहीं, तो इसलिए हम इसे इस तरह से प्रिक कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी पिज़्ज़ा सॉस। मैंने यहाँ बाज़ार वाली पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने सूजी पिज़्ज़ा वाली रेसिपी में अपनी एक इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस भी बनाई थी, जिसे 2 मिनट में आप बना सकते हैं, तो चाहे तो आप वो बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो मैंने यहाँ मोज़रेला यानी कि पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया, और साथ में थोड़ा सा मैं इसमें प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी चीज़ आपको पसंद है उतना आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और थोड़ा मोज़रेला चीज़ के ऊपर अब मैं डाल रही हूँ प्रोसेस चीज़। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे अपनी ये थोड़ी सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ थोड़ा प्याज, शिमला मिर्च,
टमाटर और थोड़े से कॉर्न्स यूज़ किए हैं। सब्ज़ी आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये प्याज की स्लाइसेस रख दूँगी और मैंने इसे स्लाइसेस में कट करके यूज़ किया। आप अपनी मनपसंद किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा शिमला मिर्च रख देंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास लाल पीली शिमला मिर्च है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें मशरूम या चिकन भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसके बाद लगा देंगे ये टमाटर। तो टमाटर को मैंने इसका जो बीज है वो निकाल दिया था। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर अपना सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट जो कि है कॉर्न्स। तो इस तरह से काफ़ी सारे कॉर्न्स डाल देंगे और ये फ्रोज़न कॉर्न्स यूज़ किए मैंने यहाँ। तो इस तरह से ये सब्ज़ियाँ डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा और चीज़। तो आज का ये पिज़्ज़ा बहुत ही चीज़ी होने वाला है। और एंड में ये जो बाउंड्री हमने इस पिज़्ज़ा की बनाई थी ना, इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, या फिर चाहें तो आप बटर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर देंगे इस बाउंड्री को। तो बस इसी के साथ अब हमारी ये थाली तो तैयार है। अब हम इसे रखेंगे अपनी गरम की हुई कढ़ाई में। तो कढ़ाई अब काफ़ी अच्छे से गरम हो गई है, बहुत ही अच्छी हीट आ रही है इसमें से। तो अब हम केयरफुली इस थाली को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढककर इसे हम मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये फ्लेम के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो आप 10 मिनट के बाद अपने पिज़्ज़ा को एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो इस पिज़्ज़ा को पकते हुए अभी तकरीबन 13 से 14 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो पिज़्ज़ा का चीज़ है ये कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है, साइड्स अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। और एक बार ना आप साइड से उठा के नीचे के बेस को चेक करिएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छे से पका हुआ है और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। तो मेरे इस पिज़्ज़ा का जो बेस है वो भी प्रॉपरली पक गया है और चीज़ भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हुआ है। बट अगर आपको लगे कि अभी भी ये थोड़ा सा कच्चा है तो आप इसे थोड़ी और देर तक भी पका सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और ओरेगानो। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम अपने इस पिज़्ज़ा को इस थाली से निकाल लेंगे। तो केयरफुली निकाल लेंगे इसे और बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएगा क्योंकि हमने अच्छे से ग्रीस किया था ना अपनी इस थाली को। तो इस तरह से ये बड़ी आसानी से निकल गया है और इसी के साथ हमारा ये पिज़्ज़ा तो हो गया तैयार। आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और बस अब हम इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एकदम चीज़ी है हमारा ये पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है ये देखने में। और इसकी जो साइड्स हैं ये भी प्रॉपरली पकी हुई हैं, एकदम क्रिस्पी बनी है। और नीचे से भी आप देख रहे हैं कि कितना परफेक्टली कुक्ड है हमारा ये पिज़्ज़ा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये